स्टूडेंट हाउ आर यू। आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सीरीज को आगे एक्सटेंड करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव साइकिल। उससे पहले मेरा नाम डॉक्टर संदीप जी और मैं आपका बायो का टीचर। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल की हम अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता क्या है, इसके ऊपर हमें थोड़ा समझने का जरूरत है। और रिप्रोडक्टिव साइकिल की जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद, और जो खत्म होता है वो होता है 45 और 50 ईयर के बीच में। प्यूबर्टी मीन 14 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है जिसको हम मेनार्क कहते हैं, और 45 और 50 के बीच में जब ये खत्म होता है तब इसको हम मेनोपॉज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें, इसमें दो तरह के साइकिल होते हैं। मोस्टली बच्चों में ये अक्सर देखा जाता है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर रिप्रोडक्टिव साइकिल होता क्या है। वो ज्यादातर जो मेंस्ट्रुएशन होती है, जो मेंसिस होती हैं, उनको ही रिप्रोडक्टिव साइकिल मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इसमें दो तरह की चेंजेस होती हैं। जो पहली चेंज है वो है ओवेरियन चेंजेस, और जो दूसरी चेंज है वो है यूटराइन चेंजेस। ये आपको ध्यान में रखना है। ओवेरियन चेंजेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। पिछली क्लासेस में मेरे आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी टाइम पे ये बातें की हुई हैं। और दूसरी जो चेंजेस है वो है यूटराइन चेंजेस। पहले हम बात अगर हम बात करें ओवेरियन चेंजेस की, उसमें क्या होता है, पहला जो फेज है वो है फॉलिकुलर फेज, सेकंड में जो होता है ओव्यूलेशन हो जाता है, और थर्ड जो है वो है ल्यूटियल फेज। अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं पहले फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज एक से लेकर 14 दिन तक होता है, 1 to 14 days तक, जिसमें आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉलिकुलर चेंजेस आती हैं, जैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स, और लास्ट में ग्रेफिकन फॉलिकल्स होता था। मगर आपको पता है, इस चीज में एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे ही बच्चे का भी जन्म भी नहीं हुआ होता है, मीन फीमेल की अगर हम बात करें तो जो फॉलिकल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लाखों की संख्या में फॉलिकल्स बनते हैं जैसे जन्म होता है, और उसके बाद प्यूबर्टी आती है, फॉलिकल की मात्रा कम हो जाती है, जिसको हम फॉलिकुलर एट्रिसिया कहते हैं, वो कुछ हजारों की संख्या में रह जाती है, और उसके बाद प्यूबर्टी के बाद ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ये आपको बात याद रखनी है। फॉलिकुलर फेज में कुछ फॉलिकुल, सारे फॉलिकुल जैसे ही आपकी प्यूबर्टी आती है या किसी की प्यूबर्टी आती है, तो 14 साल के बाद फॉलिकुलर फेज में सारे फॉलिकुल्स एकदम से आगे डेवलप नहीं होते हैं, कुछ 10 से 15 फॉलिकल्स जो डेवलप होते हैं, और उनमें से भी जो डोमिनेंट फॉलिकल्स होगा वही तैयार होगा, वो ग्राफिकन फॉलिकल के रूप में आएगा। अब फॉलिकुलर फेज में अगर हम बात करें, क्योंकि इसके साथ साथ ऐसा नहीं है ये खुद ब खुद स्टार्ट हो गए हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ है हार्मोन FSH। मैंने आगे लिखा भी हुआ है, मैंशन भी किया हुआ है, अगर आप इसको शॉर्ट स्क्रीन बाद में आपको मैं टाइम दूंगा आप ले लेना, ठीक है। FSH क्योंकि क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है और वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी FSH निकालता है, और FSH से क्या होता है, आपके फॉलिकुलर डेवलप होते हैं, जो ओवरी के फॉलिकुल्स हैं वो डेवलप होते हैं। ये आपको बात याद रखना है। उसके बाद जैसे ही ग्राफिकन फॉलिकुल्स हुआ, 1 to 14 days हुए, 14 दिन के अंदर या 14 दिन पर ओव्यूलेशन हो जाता है। उस समय क्या होता है, आप जो हार्मोन है LH निकलता है, LH का सर्ज हो जाता है, वो भी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और LH निकलता है, और LH निकलने के साथ ओव्यूलेशन हो जाता है 14 दिन के ऊपर, ठीक है। LH के निकलने के बाद ओव्यूलेशन होता है। तीसरी बात ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, मान लो कि अब ग्राफिकन फॉलिकल से ओवुलेशन हो गया, अब सेकेंडरी ओसाइट निकल गया, बट जो पीछे वो बचा होता है वो होता है ग्राफिकन फॉलिकल्स। ये मैं ओवरियन चेंजेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन चेंजेस में नहीं पहुंचा हूँ। ल्यूटियल फेज, ठीक है, ल्यूटियल फेज में ग्राफिकन फॉलिकल्स आपका क्या करता है, एक रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट क्या है, चेंजेस क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो यूट्राइन में चेंजेस लाता है, उसकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है
उसको तैयार करता है, प्रिपेयर करता है फॉर व्हाट, इम्प्लांटेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जायगोट और स्पर्म के बीच में, तो ये चेंजेस बाद में मेंस्ट्रुएशन फेज में बदल जाती हैं। ये आपको बात याद रखनी है। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं पहले कि फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स डिवेल्प होते हैं, ओव्यूलेशन में आपका 14 डेज पे आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, और थर्ड ल्यूटियल फेज में कॉर्पियस ल्यूटियम बनता है और कॉर्पियस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है जो ओवरी को ओवरी में यूट्राइन में चेंजेस लाता है। सॉरी अब हम ओवरियन चेंजेस के बीच में हम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि रिप्रोडक्टिव साइकिल की जगह हम बात कर रहे हैं। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता क्या है? ऐसे मान लो कि आप 28 दिन मोस्टली फीमेल्स में 28 दिन का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है मान के चलते हैं, बट रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 दिन तो एक एवरेज है, ये 24 दिन में भी खत्म हो जाता है और ये 35 दिन 40 दिन में भी खत्म हो जाता है। इसके बड़े सारे कारण है, न्यूट्रिशन को काजीज है, कोई और अंडरलाइन डिजीज है या कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उस हिसाब से भी इस साइकिल पे डिपेंड करता है। अब हम आखिर ओवुलेशन अगर हम 14 दिन की बात करें, मान लो कि 28 दिन का साइकिल है, हम 14 दिन को लेके चलते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। सपोज करो ये साइकिल 30 दिन का हो गया, तो फिर ओवुलेशन कब होगा? क्वेश्चन ये है, फिर ओवुलेशन कब होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि ओवुलेशन कब होगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूं क्योंकि आप सर्च करोगे इतना समझ नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं, 30 दिन में आपको -14 करना है, 30 दिन में आपको -14 करना है, ये लगभग 16 मीन 16 दिन में ओवुलेशन होगा। अगर मान के चलो 32 दिन का साइकिल है तो 32 -14 करना है तो 18 दिन का साइकिल, 18 दिन का ओवुलेशन होगा। बट ये लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी में ऐसा नहीं है कि आप हार्ड एंड फास्ट रूल लेके हम 18 दिन लेके चलेंगे या 16 दिन लेके चलेंगे, तो ये +2 +-2 हो जाता है। ये आपने चीजें याद रखनी है जो ओवरियन चेंजेस में जो चीजें आई थी। हार्मोनल लेवल पे FSH की बात की मैंने जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ओव्यूलेशन करवाता है, और प्रोजेस्ट्रॉन है वो क्या करता है आपका यूट्राइन चेंजेस लाता है। ठीक है, दूसरा जो फेज है वो है यूट्राइन चेंजेस, उसमें क्या होता है प्रोलिफेरेटिव फेज, सॉरी मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, ये थोड़ा सा ही आपको याद रखना है। पहले हम प्रोलिफेरेटिव फेज की बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन जो चेंजेस ला रहा था, जो एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनिंग कर रहा था, एंडोमेट्रियल लेयर की थिकनिंग कर रहा था, ठीक है, उसमें थिकनिंग हो जाती है, सेक्रेटरी में ग्लैंड्स आ जाते हैं, कुछ सेक्रीशन निकल जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, अगर सपोज करो ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी ओसाइट निकला, फिलोपियन ट्यूब पे पहुंचा, मेटाफेज सेकंड पे अरेस्ट हुआ था, उसका ओवुलेशन के टाइम पे हॉल्टेड हुआ था, जैसे ही वो फिलोपियन ट्यूब में आता है उसी समय स्पर्म आ जाता है, कॉपुलेशन हो जाता है, स्पर्म आ जाता है तो उनमें मिलन हो जाता है या फ्यूज हो जाते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो तभी उसके साथ प्रोजेस्टेरॉन भी तो निकल रहा था और वो इम्प्लांट हो जाता है। ये तो बात रही। दूसरी बात, अगर सपोज करो फिलोपियन ट्यूब से सेकेंडरी ओसाइट निकलता है और वो स्पर्म वहां पे नहीं आता है, जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन तो जब फर्टिलाइज नहीं होता इम्प्लांटेशन कैसे होगा, तो तब क्या होगा? जैसे साइकिल के बाद पहले 3-4 दिन आपका मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी ब्लीडिंग और जो लेयर होगी वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज के तहत वो आता है। ये बात रही, बात ये आपको समझ आ गया होगा कि ओवरियन चेंजेस और यूट्राइन चेंजेस। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूं, सेकेंडरी ओसाइट जब ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी ओसाइट निकला, स्पर्म आया, तभी मियोसिस जब फ्यूजन होगा स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट का, तभी मियोसिस कंप्लीट होगा, आखिर ऐसा क्यों? क्यों स्पर्म आने से ही सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस क्यों कंप्लीट होता है, वो पहले क्यों नहीं होता? ये बात। दूसरी बात, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल रहा है, चेंजेस यूट्राइन में आ रही हैं, और सपोज करो ओबम, स्पर्म और ओबम का मिलन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गई है,
मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो गया है, क्या वो ओवर प्रेगनेंसी हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती है, तो ये आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। होप करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ अच्छी तरह आया होगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन बच्चों को नीड है उन बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।